सुशासन दिवस पर जगदलपुर में धान बोनस वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय वर्चुअली रूप से जुड़े। सुशासन दिवस के अवसर पर वित्तीय वर्ष 14-15 और 15-16 के धान बोनस राशि का वितरण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली रूप से जुड़े। इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 14-15 के 15,146 किसानों के को 25,67,00,000 से अधिक और 15-16 वित्तीय वर्ष 15-16 के 8,820 किसानों को 12,000 करोड़ की से अधिक की राशि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक किरण देव ने कहा कि सरकार और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता के हित में योजनाओं का क्रियान्वयन कर जन लाभ पहुंचाना है। उन्होंने सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किए गए रचनात्मक कार्यों का और प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया। हम सभी जानते हैं कि अटल जी की सरकार में हमारे पूर्व में जो निर्णय हुए और जिस तरीके से उनकी मंशा थी, वे हमेशा ये कहते थे कि सरकार और प्रशासन ये दोनों चीजें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता के द्वारा लिए गए निर्णयों पर, जनता के बताए हुए कामों को विचार करते हुए, क्षेत्र के हित में पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के लिए काम करना चाहिए, लक्ष्य बनाया उन्होंने। और ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें उसमें समाहित होती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।